हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट कैसे मेकअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे पैक का आईब्रो पैलेट, और इसमें से मैं यूज़ करूँगी ये वाला शेड जो थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक है। अब मैं यहाँ पे स्पूल की हेल्प से थोड़े से आईब्रो को सेट कर रही हूँ। सो इससे क्या होगा, जहाँ पे भी गैप होगा मुझे विजिबल हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है मैं वहाँ पे कलर फिल कर दूँगी। फ्रंट हमेशा लाइटर होगा और जो एंड होगी आईब्रो की वो डार्कर होगी। अच्छे से मैं इसको फिल कर दूँगी, सो जहाँ पे भी गैप हो वो गैप विजिबल ना होए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का कंसीलर पैलेट, शेड नंबर 01 वनीला, और ये मेरी फेवरेट है। इसको भी मैं पहले ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दूँगी। देन मेरे पास यहाँ पे पैक का स्पॉन्ज है, ट्रायंगलर वाला स्पॉन्ज है, ये बहुत ही अमेजिंग है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। और इससे पूरी प्रॉपर शेप देने की नीड नहीं पड़ती, आप हल्का सा इसका अप्लाई करो क्योंकि जो इसके एजेस हैं वो शार्प है, तो इसी वजह से अच्छे से अप्लाई हो जाता है आइस पे। और सेम दूसरे आई में सेम अप्लाई कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट फ्लॉलेस 4, और इसमें से मैं ये पिंक शेड लूँगी। अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूँगी, जो आपका आउटर होगा ना, आई के आउटर वाले एरिया, आपको वहाँ से सर्कल, एक हाफ सर्कल बनाते हुए इनर कॉर्नर की तरफ आना है। सो आप पहले जितना लाइटर कलर हो सके आप उतने लाइटर कलर पर जाएँ, और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। आपका जो ब्रश है ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो कलर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। और सेम मैं दूसरे पे भी वैसा ही करूँगी, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ। जितना आप ब्रश को लाइट हैंड से पकड़ेंगे ब्लेंडिंग उतनी ही अच्छी होगी। इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है वो शेड यूज़ करके, और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ मेरी क्रीज से। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज्ड की पैलेट कलर फ्यूजन, और इसमें से ये येलो शेड मैं लूँगी। इसको मैं यूज़ करूँगी जो मेरी आईज की क्रीज है उसके जस्ट अबव, और अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसको सो दैट कि ये ब्लेंडेड लगे। ब्रश आपका बहुत लाइट प्रेशर से चलना चाहिए, और थोड़ा सा और येलो कलर लेके मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूँगी। सेम दूसरे आई पे भी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ आऊँगी, बट जो आउटर कॉर्नर पे येलो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होगा इनर कॉर्नर की तरफ से। अब मैं थोड़ा सा जो मैंने पिंक कलर पहले यूज़ किया था मैं उसी को वापस ले रही हूँ थोड़ा सा उसको और डार्क करने के लिए। अब मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से ये शेड ले रही हूँ, ये थोड़ा सा गोल्डन शिमर है, और इसको अपने आई बॉल के सेंटर पर हल्के हल्के हाथों से डैब डैब फॉर्म में मैं इसको डिपॉजिट करूँगी। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको उसको ड्रैग नहीं करना, अगर आप उसको खींचेंगे तो जो शिमर है आपके फुल आई पे ये आ जाएगा, और जितना भी मैट लुक हमने यूज़ कर रखा है वो सारा शिमरी लगेगा। सो दूसरे आई पे भी मैं सेम ही अप्लाई करूँगी, आई बॉल के सेंटर पर हल्का सा इसको डिपॉजिट करके देन हल्का सा ब्लेंड करूँगी ताकि ये ब्लेंडेड लगे। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का प्रेस्ड ग्लिटर गोल्डन गेमा, और जहाँ पे मैंने शिमर यूज़ किया था वहीं पे मैं इसको हल्के हल्के हाथों से डिपॉजिट कर दूँगी, क्योंकि ये प्रेस्ड ग्लिटर है तो आपको इसमें ग्लू की नीड नहीं है। अब जो शेड मैंने पहले लिया था पिंक वाला मैं वापस इसको ले रही हूँ, और हल्का सा इसको टचअप दे रही हूँ, टचअप बहुत हल्के से, एक लाइन नहीं आनी चाहिए, ध्यान ये रखना है। अब मैं यहाँ पर नायका का स्केच लाइनर यूज़ कर रही हूँ, सो जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्केच लाइनर है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा, ये वाला वाटरप्रूफ है, और मैं लैशेस के लिए यूज़ करने वाली हूँ डियो ब्लू, और हाइलाइटर के लिए यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ब्लॉसम ग्लो, ये थोड़ा सा पिंकिश और सिल्वर है। अब मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, जौन सा ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है। मैं फेस को क्लीन कर रही हूँ एक वेट वाइप की हेल्प से, और अच्छे से फेस को क्लीन कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, और इसकी कुछ ड्रॉप्स मैं अपने फेस पे गिरा के अपने हाथों से अच्छे से इसको मसाज कर दूँगी। इससे एक बहुत अच्छी शाइन आती है फेस पे, एक ड्यूई इफेक्ट आता है। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सेबामेड की क्रीम, इसको मैं फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी, पहले मैं फुल फेस पे इसको डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूँगी,
देन मैं हल्के हल्के हाथों से इसको मसाज करूँगी फेस पे। इससे मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर, शेड नंबर है 02 गोल्डन टिंट। इसको भी मैं डॉट डॉट करके ही अप्लाई करूँगी। पहले मैं फुल फेस पे डॉट डॉट्स लगा दूँगी, उसके बाद मैं हल्के से जेंटली मसाज कर दूँगी फेस पे। प्राइमर से क्या होगा, आपके फेस को एक प्रोटेक्शन मिलती है फाउंडेशन से। तो आप देख सकते हैं फेस में कितना अच्छा ग्लो आ रखा है, एक गोल्डन टिंट है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैका कंसील पैलेट। तो मैं अपनी टोन से एक टोन डार्क कंसीलर यूज़ करूँगी इसमें। फर्स्ट मैं ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर दूँगी, और मैं सिर्फ इसको वहीं पर अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ पर अनइवन स्किन टोन है, जैसे कि मेरा फोरहेड, अंडर आई और मेरा माउथ एरिया। फर्स्ट मैं ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का स्पॉन्ज। इसको मैंने सेमी वेट कर लिया था, और इससे ब्लेंडिंग बहुत ही अमेजिंग होती है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक के फाउंडेशन, एक है डार्कर और एक है लाइटर। तो डार्कर वाला है 4.7 और लाइटर वाला है 1.4। तो मेरे पास एक डार्कर और एक लाइटर है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके अपनी कलर टोन का फाउंडेशन बनाया है। और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अमेजिंग है, एक ड्यूई इफ़ेक्ट ये देता है जब तक आप इसको लॉक ना करें। तो मैंने फर्स्ट अपने एक साइड पे लगाया था, मैं दूसरी साइड पे लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन के ब्रॉन्ज़र से, और मैंने जो ब्रश यहाँ पे यूज़ किया है वो है एंगुलर। ये थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है। कॉन्टोरिंग जो होगी वो अपवर्ड्स होगी। मैं जो इसमें ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है रियल हेयर का, क्योंकि जो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ वो पाउडर की कॉन्टोरिंग है। सो जब भी आप पाउडर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें यूज़ करें, आप रियल हेयर ब्रश यूज़ करें। और इसमें मैं जो कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपनी जॉ लाइन पे भी करूँगी, और साथ ही साथ थोड़े से फोरहेड पे भी कॉन्टोर करूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का कंसीलर इसको हाईलाइट करने के लिए, और मैं इनको अपने हाईलाइटिंग एरिया पे यूज़ करूँगी। फर्स्ट मैं इसको अप्लाई करूँगी वॉन्ड की हेल्प से, और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी एक स्पॉन्ज की हेल्प से। जो स्पॉन्ज मैं यूज़ कर रही हूँ वो है पैक का, सेमी वेट है, और हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करना है। शेड मैंने इसमें यूज़ किया है पैक का 01 वनीला, और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी ताकि एक हार्श लाइन मुझे विजिबल ना हो, ये ब्लेंडेड लगे फाउंडेशन के साथ ही। और दूसरे आई पे भी सेम करूँगी। ब्लेंड इतने अच्छे से करना है कि ये ब्लेंडेड लगे, कहीं से ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ अलग से उठा के रख दी गई है। अब मैं अपने फोरहेड पे भी हाईलाइट करूँगी, नोज़ पे भी और चिन पे भी, और सेम इसको मैं ब्लेंड करूँगी स्पॉन्ज की हेल्प से। प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जितना ज़्यादा लाइट प्रेशर रहेगा मेकअप उतना ही ज़्यादा अच्छा होएगा। अब अपने चिन पे भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी इसको। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैका कॉम्पैक्ट NC20, और इसको मैं यूज़ करूँगी जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइटिंग करने के लिए कंसीलर यूज़ किया था, वहीं वहीं पे मैं इसको अप्लाई कर दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी, जिससे मेकअप और भी ज़्यादा स्टे करेगा। और अच्छे से इसको डैब डैब करके सेट कर दूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की ब्लश पैलेट, और इसमें से जो शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ये है चीक। ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसको मैं हल्का हल्का डैब करूँगी अपने चीक एरिया पे, देन इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। मैं अपने चिन और नोज़ पे भी यूज़ करूँगी, और हल्का हल्का सा मैं फोरहेड के साइड पे भी यूज़ करूँगी, और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर जो कि है वेट एंड वाइल्ड का ब्लॉसम ग्लो। इसको भी मैं अच्छे से मर्ज कर दूँगी ब्लशर के साथ ही, हल्का सा नोज़ पे भी लगाऊंगी और चिन एरिया पे भी। अब मैं यहाँ पे अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। नोज़ को ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करूँगी, बस लाइट सा कॉन्टोर करूँगी। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जेल लाइनर। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से, ब्रश का जो बैक साइड है उससे मैं इसको लगा रही हूँ। ये स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ होता है, सो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो इन्हीं को रिकमेंड करते हैं और इन्हीं को यूज़ करते हैं। अब मैं लगा रही हूँ मैक की लिपस्टिक, शेड नेम है रूबी वू, और इसको लगाने से पहले मैंने अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लिया था। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा, ये है वाटरप्रूफ। इस
इसको मैं अच्छे से अपने लोअर लैशेस पे लगा लूँगी। तो ये था स्टेप बाय स्टेप मेकअप, और आपको मेकअप कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर से मिलूँगी एक नए लुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।